हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हेरिटेज पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। एंड टुडे दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो फॉर क्लास 7 ऑफ सिविक्स। सिविक्स आप लोगों के लिए कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, आप लोग 7th क्लास के बच्चे हैं, यू ऑलरेडी नो अबाउट सिविक्स। सो व्हाट वी विल गोइंग टू स्टडी टुडे, चैप्टर 1 एंड द नेम चैप्टर 1 इज ऑन इक्वालिटी। ओके, सो हम इसमें आज चैप्टर बिकॉज इट्स स्टार्टिंग ऑफ अवर चैप्टर, सो आई विल टेल यू हम इसके इस आज के वीडियो में आगे क्या क्या पढ़ना चाहेंगे पढ़ेंगे आज ऑन इक्वालिटी। सो व्हाट इज इक्वालिटी, इक्वालिटी मींस क्या है, इक्वालिटी मींस समानता, हिंदी इसका मीनिंग हुआ आपका समानता, ये यानी सब चीज़ एक समान होना, दैट इज़ इक्वालिटी। सो इक्वालिटी में क्या क्या इसके जो हैं वो होते हैं आपके मेन जो हैं इक्वालिटी के मेन फीचर्स क्या हैं और हम किस तरीके से उसको समझेंगे। इन इंडिया की बात करें, इंडिया इज़ ए डेमोक्रेसी, इंडिया में क्या है डेमोक्रेसी। ओके, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, यू हैव स्टडीड इन क्लास सिक्स में आपने इसका पूरा एक चैप्टर पढ़ रखा है, डेमोक्रेसी इक्वालिटी ये सब चीज़ें। बट हम थोड़ा इसको और आगे बढ़कर और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे आज द की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो मेन फीचर्स होते हैं वो जानेंगे और वो किस तरीके से इंडिया में जो कॉमन पीपल हैं, जनरल पीपल हैं, उन पर किस तरह से वो अप्लाई होते हैं, उन्हें क्या इसके बेनिफिट मिलते हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उनको डिस्टर्ब करती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस आज अपने वीडियो में जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इक्वालिटी मींस एक समान होना, समानता। और इंडिया में जैसे कि आप जानते हैं डेमोक्रेसी मींस होता है, क्या होता है डेमोक्रेसी का मीनिंग, कि जहाँ पर जिस जगह पर पीपल्स पार्टिसिपेशन जो है लोगों का, जितना भी हम यहाँ जहाँ डेमोक्रेसी होती है वहाँ लोग हर तरीके से फ्री होते हैं किसी भी तरीके की उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इक्वली, और उनके लिए इक्वल जस्टिस जो है वो होता है हर जगह और हर फील्ड में जो है उनको, ऐसा हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री होते हुए इंडिया में हर जगह सब लोगों के लिए सब कुछ समान है, एक समान है। ओके, सो इसलिए जो है इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वालिटी, इक्वालिटी क्या है, क्यों है ये इतनी इम्पॉर्टेंट डेमोक्रेसी के लिए, एंड वेदर और नॉट एवरी वन इज़ इक्वल इन इंडिया, यानी इंडिया में लोग इक्वल हैं सारे और अगर नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं, क्या रीजन्स हैं, वो सभी कुछ आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। बट ये सब जानने के लिए वी हैव टू फॉलो अ स्टोरी, एक स्टोरी को फॉलो करेंगे हम थोड़ा सा, तो उस स्टोरी के थ्रू हम थोड़ा सा समझेंगे। और ये स्टोरी किसकी है, ये स्टोरी है कांता की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं, आपने देखा चैप्टर की स्टार्टिंग में ऊपर यहाँ पर एक रो दी हुई है, एक रो बनी हुई है, ये रो है आपकी जो है, ये रो है आपकी इलेक्शन की रो। ठीक है, तो ये देखिए आपकी मनजीत कौर टीचर, तेजा सिंह ट्रेडर, इनमें आपके ऑक्यूपेशंस भी लिखे हैं नेम के साथ साथ, देन हैरिस कांता देवी एंड सुजाता कुमारी, इनका ऑक्यूपेशन क्या है, दीज आर डोमेस्टिक वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर जाने जानते हैं जो घर में काम साफ सफाई के लिए हेल्पर रखे जाते हैं, सो वो हैं ये लोग। बट यहाँ क्या शो किया जा रहा है, ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट, तो सुजाता और कांता इस रो में खड़ी हुई हैं और अपनी बारी के आने का इंतज़ार कर रही हैं। और यहाँ अच्छी बात क्या दिखाई जा रही है कि ये जो लाइन है इसमें सारे के सारे इक्वल खड़े हुए हैं एक साथ, ये वोटिंग की लाइन है, यहाँ पर ट्रेडर भी है, बड़े जो अच्छे ऊंचे व्यवसायी हैं वो भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर भी हैं और डोमेस्टिक वर्कर भी हैं। तो उस दिन क्या होता है, चलिए थोड़ा सा स्टोरी देख लेते हैं हम। तो ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता वो दोनों वेट कर रहे हैं अपनी बारी का आने का, तो कांता बोलती है इज़न्ट इट गुड सुजा दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन इन आवर कंट्री, तो यहाँ पर क्या बोल रही है कांता
कि सुजाता देखो ये कितनी अच्छी बात है ना कि हमारी कंट्री में हम लोग एक साथ लाइन लगा कर ही खड़े हैं, और ये देखो हमें कोई मतलब हमारे साथ भेदभाव नहीं है, और हमें वोटिंग करनी है तो हम वोटिंग के लिए देखो यहाँ पर वो भी खड़े हैं जैन साहब जो मेरे मालिक हैं जिनके मैं वर्क करती हूँ। तो सुजाता बोलती है यस हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ठीक है। फिर क्या होता है कि फिर ऐसी बातें कर रहे होते हैं, वो ये देख के खुश हो रही है कि देखो सब इक्वल है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है तो कितने अच्छे से उसको फॉलो भी किया जा रहा है। अब यहाँ पर टर्न आ जाता है कांता का, तो कांता जो है अपने वोट डालने के लिए अंदर की तरफ जाती है। फिर उसके बाद जब वो वोटिंग वो डाल रही है तो क्या कहती है, आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रोमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू अवर एरिया। तो यानी उसमें इलेक्शन के समय भी उसके माइंड में आम आदमी के दिमाग में अपनी परेशानियों को लेकर अपनी आवश्यकताओं को लेकर ही उथल पुथल चलती है। तो इवन शी वॉज थिंकिंग अबाउट दिस इन द बूथ ऑल्सो। सो वो कह रही है कि मैं उसी को वोट डालूंगी जिन्होंने प्रॉमिस करा था कि हमारे एरिया में नल का पानी पाइपलाइन वाला पानी आएगा, तो वो ऐसा ही सोच कर वोट दे रही है। फिर आगे चलते हैं, अब देखिए आपके आगे जो है सेकेंड पेज पर भी ये जो लाइन है ये इसको और लंबा बढ़ाकर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें और भी लोग हैं, अब्दुल रहमान एक वो हैं आर्टिसन, और ये हैं आपके हाउसवाइफ हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर भी यहीं खड़े हैं, मीडिया पर्सन भी यहीं हैं। तो यानी कि वही चीज़ सेम कि सब इक्वल हैं। तो आफ्टरवर्ड उसके बाद क्या होता है, वोट डाल लिया उसके बाद वी विल सी यू लेटर कांता। तो उनके जैन साहब जो हैं, जैन साहब से वो नमस्ते करें अपने मालिक से, तो वो कह रहे हैं हाँ चलो फिर मिलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, वो जो है अपने घर आ जाती है। तो जब वो घर आती है तो घर पे आके क्या देखती है, उसकी बेटी बहुत बीमार है। देखिए इसमें आपको शो हो रहा है यहाँ पर, जब गुड़िया लौट के घर आती है तो देखती है उसकी बेटी गुड़िया बहुत बीमार है, सॉरी कांता जब लौट कर आती है घर तो वो उसे अपनी बेटी से प्रॉमिस करती है, बेटा अभी तुम ये ले लो थोड़ा सा उससे ठीक हो जाओगी, तुम कुछ काढ़ा वाढ़ा बना के देती है। तो कहती है आज हम शाम, मैं जब लौट आऊँगी काम से तो हम लोग शाम के समय हॉस्पिटल चलेंगे। ऐसा सोच के वो जब घर से निकलती है तो बाहर देखती है, देखिए आप ये वाला एरिया देख सकते हैं, तो ये जैसे जहाँ पुअर पीपल ये उसमें बस्ती वगैरह में जो लोग रहते हैं स्लम एरियाज़ में, तो वहाँ का सीन है ये। तो वो मन में सोचती है कि इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, कि जल्दी जल्दी गुड़िया बीमार पड़ जाती है क्योंकि यहाँ कितना गंदा है, कितनी गंदगी रहती है, यहाँ से कभी साफ़ सफाई होती ही नहीं है बस्ती में, जो ड्रेनेज वगैरह हैं वो भी ओपन पड़े रहते हैं, गार्बेज यूं ही रहता है, वो मजबूर है वहाँ रहने के लिए स्लम एरियाज़ में। खैर ये सोचते हुए वो आगे बढ़ जाती है। अब आगे देखते हैं हम, तो वो क्योंकि वो घर से सोच कर आई थी कि मैं जो है साहब के यहाँ काम करने जाऊँगी तो थोड़ा सा उनसे कुछ एडवांस मांग लूँगी, ऐसे सोच के ना वो आती है यहाँ पर घर पर। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर उसके काम करने के बाद वो एडवांस मांगती है, बताती है अपनी परेशानी मालकिन को, तो मालकिन कहती है हाँ ठीक है ले लो एडवांस, बट डोंट मेक इट अ हैबिट ऑफ इट। तो यानी साथ में वो चेतावनी भी दे रही है कि आप ले लो लेकिन ये कि उसे अपनी आदत मत बनाओ, हालांकि वो मजबूर है, अब वो डिपेंड है जिनके साथ वो काम करती है उन्हीं से उनकी तरफ देखने के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है इक्वल, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे, तो उसकी स्टोरी की बात हुई। तो द स्टोरी अबव बिगिंस विथ कांता स्टैंडिंग इन द लाइन टू कास्ट अ वोट, ये स्टोरी इस तरह से शुरू हुई, ठीक है आपको मैंने बताया ऑलरेडी। अब क्या हुआ कि दिस एज यू हैव ऑलरेडी रेड इन क्लास सिक्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड इट इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी एडल्ट इन अ कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ एंड द कम्युनिटीज शी और ही बिलोंग्स टू हैज़ वन वोट। यानी कि सब एक बराबर हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम लोगों को जो है वोट डालना है, तो वोट डालने वाले सब एक बराबर हैं। बट एट हर डे गोज ऑन, अब कांता की बात पे आ गए, कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट व्हाट इज इक्वालिटी, ये है रियलिटी। देखिए क्या होता है कि दिन की शुरुआत वो करती है तो यही सोच कर करती है, बड़ी खुश होती है कि हमारे देश में सब इक्वल हैं, ठीक है, और देखो जहाँ मैं खड़ी हूँ वहीं हमारे मालिक खड़े हैं और सब एक साथ वोट डाल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे उसका दिन ख़त्म होने पर आता है, जिस तरह चलता है आगे, धीरे धीरे उसके माइंड में क्वेश्चन उठने शुरू हो जाते हैं कि क्या जो मैं सोच रही हूँ वही सच है।
सो क्या होता है, व्हाट इज़ इट दैट मेक्स कांता अनश्योर, क्या ऐसी चीज़ है जिसने कांता को इतना अनश्योर कर दिया। मॉर्निंग में तो वो बहुत श्योर थी। चलिए देख लेते हैं। शी लिव्स इन अ स्लम एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो जिस घर में जगह रहती है वहाँ इतनी गंदगी वगैरह रहती है, तो उसकी बेटी जो है वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाती है। अब कांता की परेशानी क्या है? कांता की परेशानी ये है कि उसे पहले काम पर जाना पड़ता है, जो कुछ भी ज़रूरत पड़ती है तो अपने मालकिन से उसे मनी जो है बोरो करनी पड़ती है एडवांस में। तो क्या होता है, ये होम जो है डोमेस्टिक वर्कर हैं, ये एम्प्लॉई हैं, तो इनका क्या है कि उनके पास एक नैरो मनी का सोर्स होता है, ज़्यादा उनकी इनकम नहीं होती है, तो उन्हें बहुत कुछ देखना होता है, तो वो उन्हें डॉक्टर के पास जाना, तो सरकारी डॉक्टर्स जो होते हैं अस्पताल उनमें ही जाते हैं। अब उसकी जॉब जो है डोमेस्टिक हेल्पर की है, टायर्स हर आउट, वो पूरे दिन काम करके थक जाती है। फाइनली उसे जो है एक लंबी लाइन में दिन भर खड़ा भी होना पड़ा था सुबह, तो दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट, हाँ सॉरी, फिर उसके बाद उसे जब हॉस्पिटल अपनी बेटी को ले जाती तो वहाँ भी एक लंबी लाइन उसे देखने को मिलती है। बट दिस लॉन्ग लाइन इज अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर। अब उसको एक चीज़ उसको दिल झकझोर देती है, उसको अंदर से तोड़ देती है, वो ये कि ये जो लाइन है सरकारी अस्पताल की, ये लाइन उस वाली लाइन जैसी नहीं है जो मॉर्निंग में इलेक्शन के टाइम पर थी। तो क्यों नहीं है? क्योंकि उसने गौर किया कि मोस्टली इस लाइन में जो लोग खड़े हैं वो बहुत ही पुअर, बहुत ही गरीब तबके से आते हैं, वहाँ पर कोई भी अमीर बंदा उसे लाइन में लगा हुआ नहीं दिखा। तो वो अब क्या सोच रही है, इवनिंग में जस्ट फ्यू मोर मिनट्स, बेटी वो अपनी बेटी को कंसोल कर रही है कि बेटा थोड़ी सी हिम्मत रखो, बेटी बहुत बीमार है। तो अभी मन में क्या सोचती है, जैन मैडम एंड जैन साहिब मस्ट स्टैंड इन लाइन टू वोट बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। अब उसका मन ये सोचकर दुखी हो रहा है कि जैन मैडम और जैन साहब इलेक्शन की लाइन में तो मेरे साथ खड़े हुए, पर लेकिन वो कितने खुशनसीब हैं कि उन्हें जब उनके बच्चे बीमार होते हैं तो उन्हें ऐसी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता, उन्हें ऐसा इंतज़ार नहीं करना पड़ता जब उनके बच्चे बीमार पड़ते हैं। तो क्यों? क्योंकि उसे ही डिफरेंस समझ में आया, उसकी निगाह में क्या है, वो अपने आप को अब इक्वल नहीं, अब वो अपने आप को अनइक्वल समझ रही है। इन क्यों समझ रही है? क्योंकि उसने ये डिफरेंस साफ साफ देखा कि एक गरीब होना और एक अमीर होना, चाहे वो किसी भी जगह पर है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में है या कहीं भी है, उसे ऐसा लगता है कि ये सेम है। तो अब क्या है, यहाँ आपके लिए क्वेश्चन है, डू यू थिंक कांता हैज़ इनफ रीज़न टू डाउट वेदर शी रियली इज़ इक्वल? आपको लगता है कि ऐसा है? कांता जो सोच रही है, क्या वो सही सोच रही है कि क्या सच में उसे डाउट है, उसे शक है जिस बात पर, तो उसके पास रीज़न है, ये इनफ रीज़न्स हैं सोचने के लिए? अगर आप सोच के देखिए इस चीज़ को, आपका मन क्या कहता है। ओके, तो चलिए बेटा, अब इस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इससे आगे की स्टोरी। टिल देन, बाय बाय।